I spoke to Prabhas and he was very kind. Actually, him and me share a hairstylist. Alim mere bhi baal banate hain aur unke bhi banate hain. And wo unke saath hi the, to Kabir Singh ki trailer ki baat chal rahi thi, to he called and wanted to speak to me, and he was very, very kind. I was very overwhelmed because, you know, he is such a big star, and he is, you know, Mahendra Bahubali for us forever and always. So it was really cool to hear such nice words. Hello. What's up? Good. So, So, it was very nice to get such encouraging words because, you know, ye, Hindi audience shayad itna zyada nahi jaanti hai, lekin ye film jab Telugu mein bani thi Arjun Reddy, तो ये बहुत आइकॉनिक फिल्म थी और जिस तरह का प्यार इस फिल्म को मिला है, बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं, जैसे कुछ फिल्में मेरी भी हैं जो मुझे ऐसा लगता है लोग कहते हैं कि यार ये फिर से नहीं बननी चाहिए, यू नो यू शुडंट टच समथिंग दैट्स सो गुड. एंड मुझसे भी शायद अगर कोई कहे टू डू सम ऑफ माई परफॉर्मेंसेज, आई माइट नॉट बी एबल टू डू इट अगैन. बट ऑनेस्टली द सेम फिल्म मेकर वॉन्टेड टू मेक इट, एंड मुझे रोल बहुत एक्साइटिंग लगा. मुझे ऐसा लगा कि यू नो यूजुअली लोगों ने मुझे हमेशा थोड़े एजी कैरेक्टर्स में पसंद किया है, लेकिन वो फिल्में जो हैं वो बहुत थोड़ी सी हैवी होती हैं, तो यू नो वो जो उनका जो एक मेन स्ट्रीम अपील होता है वो कभी कभी रिस्ट्रिक्टेड होता है, बिकॉज उड़ता पंजाब जैसी फिल्म का सब्जेक्ट मैटर इतना डार्क है. आप ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेप के बारे में बात कर रहे हैं, यू नो थोड़ी हार्ड उसका सब्जेक्ट था, तो वो सब लोगों तक तो आप नहीं पहुँचा सकते. हैदर जैसी फिल्म है वो यू नो थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल फिल्म है, तो ऑफकोर्स परफॉर्मेंस करने का बहुत मौका मिलता है, लेकिन शायद मास ऑडियंस तक वो कितना पहुंचती है, यू नो वी नो दैट इट डजंट डू दोज काइंड ऑफ नंबर्स. तो ये एक ऐसी फिल्म थी जिसके अंदर मुझे लगा कि ये बहुत ही अपीलिंग फिल्म है आम आदमी के लिए, बहुत ही कमर्शियल फिल्म है, लेकिन कैरेक्टर बहुत एजी था, परफॉर्म करने के लिए कुछ बहुत अलग करने का मौका मिल रहा था. सो आई जस्ट कुडंट लीव दिस अपॉर्चुनिटी, यू नो अदरवाइज आई थिंक जो विजय देवरकोंडा ने परफॉर्मेंस किया है अर्जुन रेड्डी का, यू नो ही विल ऑलवेज बी द ओरिजिनल, एंड आई फील ही वॉज स्पेक्टेक्युलर इन द फिल्म. मैंने ये पहले भी कहा है कि कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी शायद कजन्स हैं, लेकिन दे नॉट द सेम पर्सन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू समथिंग डिफरेंट एंड ओरिजिनल. एंड यू नो वी ड्रॉन इंस्पिरेशन फ्रॉम अर्जुन रेड्डी एंड एवरीथिंग इन द फिल्म, एंड द फिल्म मेकर इज द सेम. संदीप वांगा इज अ यू नो इज जस्ट वन फिल्म ओल्ड, एंड ही मेड इज फर्स्ट फिल्म एंड एवरीबडी जस्ट वेंट बर्ज़र्क अबाउट इट. एंड सो वी ट्राइड टू रिटेन एवरीथिंग दैट इज इन द ओरिजिनल, बट वी ट्राइड टू ऑल्सो ब्रिंग अ लिटिल बिट ऑफ न्यू इन टू द फिल्म, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू रीडिस्कवर the journey of the character, because we have shifted the fact that he is now from Delhi and Mumbai and his name is Kabir Singh. So we've changed the backdrop, and therefore his family has changed, his upbringing has changed, but the essence and the fundamental energy of the character we've tried to retain it.